स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा से पार्थर्ड का जो एग्जाम का जो शेड्यूल है यानी पार्थर्ड एग्जाम का जो पूरा रूटीन है वो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा से जारी किया गया है। हालांकि एग्जाम रूटीन जारी होने के बाद आपको इंतजार रहता है इसके एडमिट कार्ड का, क्योंकि एग्जाम आपका स्टार्ट है 17 मार्च से। तो इसको लेकर के एडमिट कार्ड को लेकर के भी आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर एडमिट कार्ड मगध यूनिवर्सिटी के पार्थर्ड एग्जाम का कब जारी होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे अपडेट को कवर करेंगे, जिसमें मगध यूनिवर्सिटी के पार्थर्ड का जो एडमिट कार्ड है वो कब रिलीज होगा इसके बारे में भी मैं आपको ऑफिशियली अपडेट बताऊंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि पेपर का क्या कुछ अपडेट है, यानी मगध यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के प्लानिंग को लेकर के क्या स्ट्रिक्टनेस रहने वाला है, क्या एग्जाम को लेकर के आपको प्रिकॉशंस रखना है, यानी क्या एग्जाम को लेकर के अपने आप को अपडेट रखना है, क्या पेपर के माध्यम से यूनिवर्सिटी वालों ने आपके लिए बताया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको प्रोग्राम के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में प्रोग्राम को लेकर के भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और फिर ये सारा जो ऑल ओवर जो अपडेट है ये सारा आज के वीडियो में आपको कंक्लूड कर दूंगा। सो गाइज, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे प्रीवियस पेपर के कटिंग से, जो कि मगध यूनिवर्सिटी के VC यानी प्रोफेसर शाही जी के द्वारा जो पहले अपडेट बताया गया था एग्जामिनेशन को लेकर के, वो क्या कुछ अपडेट है जो कि प्रभात खबर के पेपर में आया था। पहले मैं आपको उस अपडेट को कवर अप कर देता हूँ, इसके बाद हम लोग आज के पेपर के अपडेट को देखेंगे और जो पुराना वाला जो पेपर का अपडेट है उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका एडमिट कार्ड कब जारी होगा। सो गाइज, ये देख सकते हैं पुराना वाला अपडेट था जिसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा था कि मगध विश्वविद्यालय गुरुवार तक होली की छुट्टी है, और आज आप देख सकते हैं डेट आपका शनिवार का है, कल बीच में शुक्रवार था शनिवार था। इसके बाद यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा बताया गया था कि जो आपका परीक्षा विभाग है वो काम कब से स्टार्ट करेगी, सोमवार और मंगलवार से। यानी जो आपका एडमिट कार्ड है, यानी जो मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडमिट कार्ड जारी की जाएगी पार्थर्ड के एग्जामिनेशन को लेकर के, वो उम्मीद है मंगलवार को। कारण जो पहले अपडेट आया पेपर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये प्रेडिकेशन आप रखिए कि जो पार्थर्ड का एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा से वो जारी किया जाएगा ट्यूसडे को। आज आपका है सैटरडे, कल आपका संडे, एंड इसके बाद आपका हो जाएगा मंडे, और इसके बाद जाकर के ट्यूसडे, यानी 14 मार्च को आपका जो पार्थर्ड का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए एडमिट कार्ड मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा से जारी कर दिया जाएगा। तो ये तो बात अपनी हो गई मगध यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड के डिस्कशन को लेकर के कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा से जो एग्जामिनेशन को लेकर के आज क्या कुछ अपडेट आया है पेपर के माध्यम से, वो भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उस डिस्कशन को भी स्टार्ट करते हैं। सो देख सकते हैं ये रहा आज का पेपर का अपडेट, जिसके अकॉर्डिंग करना है कि MU ने BA पार्थर्ड की परीक्षा जो 17 मार्च से शुरू होने वाली है इसको लेकर के जो कई सारे इन्फॉर्मेशन है वो जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन डेट्स को भी जारी किया गया है। देख सकते हैं हेडलाइन बताया गया है MU में BA पार्ट 3 की परीक्षा 17 मार्च से शुरू। बता दें आपको मगध यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन फाइनल करने के इंतजार में बैठे सत्र 18-21 के छात्र छात्राओं को अब और इंतजार नहीं करना होगा, और इस सत्र के पार्ट 3 की परीक्षा 17 मार्च से शुरू हो रही है जो 28 मार्च तक चलेगी। 31 से 5 अप्रैल तक आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा आपका जो एग्जाम खत्म होगा मार्च में, और इसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो आप देख सकते हैं 5 अप्रैल तक जाकर के आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको बता दें परीक्षा को लेकर के तैयारियों में यूनिवर्सिटी की कर्मी जोर शोर से जुटे हुए हैं। लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है और सीट प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है, यानी कहाँ किनको बैठाना है, क्या कुछ एडमिट कार्ड में किनका सेंटर रहेगा, इस पे काम चलेगा, और फाइनल एडमिट कार्ड आपका 14 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। बता दें आपको परीक्षा के लिए 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां कुल 51,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 2 पालियों में परीक्षाएं ली जाएगी, और पहली परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर के 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा को लेकर के गया के अलावा नवादा, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, औरंगाबाद और वह पटना जिले के 36 कॉलेजों को केंद्र बनाया गया। आपको बता दें परीक्षा को डिवाइड किया गया है बहुत सारे ग्रुप में, ABCD 4 ग्रुप में बांटा गया है। परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था व कदाचार मुक्त रखने के लिए सभी केंद्रों पर विशेष तैयारियां की जाएगी, और मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने बताया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो इसके लिए सभी केंद्रों पर विशेष तैयारी की जाएगी। तो कदाचार मुक्त परीक्षा कराने की भी मोटिव है, कराने की मगध यूनिवर्सिटी के नए VC बने हैं, तो थोड़ी सी आप अपनी जो एग्जामिनेशन है उस पर थोड़ी सी बेटर तैयारी कीजिएगा। कारण है कि इसमें हेडलाइन रेज किया गया कि कदाचार मुक्त परीक्षा कराना है, और मगध यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन के बारे में आप ये तो बात जानते हैं कदाचार मुक्त में कितनी मगध यूनिवर्सिटी निखरती है, ये बात आप पहले से भी जानते हैं। तो हालांकि कदाचार को लेकर के थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस में भी रह सकती है मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि इसको एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है बिहार लेवल पे,
तो थोड़ी सी काम करेगी कदाचार मुक्त करने की करने पर भी मगध यूनिवर्सिटी जोर देगी, तो थोड़ा सा आप इस चीज का ख्याल रखिएगा। हालांकि ये जो आपका जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन को लेकर के जो एडमिट कार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, मगध यूनिवर्सिटी क्या कुछ तैयारियों में जुटी है ये भी मैंने आपको बता दिया, साथ में ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 31 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक होगा। अगर मैं ग्रुप के बारे में बात करूँ कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं, तो यहाँ पे बता दें आपको ग्रुप ए में कौन कौन से कैंडिडेट ग्रुप ए में आते हैं, तो जिनका ऑनर्स फिजिक्स है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, LSW है, रूरल इकोनॉमिक्स है, बुद्धिस्ट स्टडी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो म्यूजिकल है, वो सारे ग्रुप ए में आते हैं। ग्रुप बी के अगर बारे में बात की जाए तो अगर आपका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी शामिल है तो आप ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप सी में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, होम साइंस, इसके बाद आपका अलायंस एंड दर्शन शास्त्र, इसके बाद आपका ग्रुप डी में कॉमर्स वाले यानी वाणिज्य, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मगही, अरबी, मैथिली, पाली, पर्शियन, बंगाली, भोजपुरी, संस्कृत व प्राकृत विषय वाले जो भी सारे कैंडिडेट हैं जिनका ये ऑनर्स है वो आते हैं ग्रुप डी में। तो ये तो बात अपनी हो गई ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की। तो चलिए मैंने आपको यहाँ तक तो अपडेट बता दिया कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम को लेकर के क्या अपडेट है, साथ में मैंने आपको बता भी दिया कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने एग्जामिनेशन प्रोग्रामिंग को बेटर तरीके से समझ लें। कारण है कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी एग्जामिनेशन प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझे, तो मे बी उनका एग्जाम वगैरह मिस कहीं होना जाए। तो अगर बात की जाए एग्जामिनेशन प्रोग्रामिंग के बारे में, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रोग्रामिंग के बारे में बता देना थोड़ी सी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये तो बात आप समझ गए कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं, ये आइडियाज आपको लग गया होगा। अब आप जिस भी ग्रुप में आते हैं अगर पार्ट 3 की एग्जामिनेशन प्लानिंग के बारे में बात की जाए तो पार्ट 3 में आपका आपका जो पेपर्स होगा उसमें आपका, तो इसमें आप जानते हैं कि आपका जो पार्ट 3 का एग्जाम है जिसमें आपका 4 ऑनर्स का पेपर होगा और 1 आपका जीएस का पेपर होगा, यानी 4 आपका ऑनर्स का पेपर जिसको नाम दिया गया है पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 एंड पेपर 8। आपका 4 ऑनर्स पेपर होता है तो आपका 4 पेपर्स का नाम दिया गया है पेपर 5, 6, 7, 8 एंड आपका फिर आपका एक जीएस का पेपर होता है जो कि आपका होता है जनरल स्टडीज का पेपर, यानी कह सकते हैं आपका टोटल 5 पेपर का एग्जाम चलेगा। तो ध्यान रखिएगा आपका पेपर 5 का कब एग्जाम है, 6 का कब है, 7 का कब है, 8 का कब है और जीएस का पेपर का एग्जाम कब है, ये आपके लिए ध्यान रखना होता है। और इसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल का जो एग्जाम है वो आपके कॉलेज में कंप्लीट होगा और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो डेट है वो 31 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक है। तो चलिए बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ग्रुप के बारे में, तो 17 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है वो ग्रुप ए और ग्रुप बी का होने वाला है। ग्रुप ए का 5वां पेपर आपका मॉर्निंग टाइम में होगा, यानी सुबह 10 से लेकर के इधर साइड का जो भी सारे पेपर्स है ध्यान रखिएगा मॉर्निंग टाइम में, और इधर का जो पेपर है वो क्या है इवनिंग टाइम में, यानी दोपहर के 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। मैं मेंशन करूंगा ग्रुप को, तो ग्रुप में ध्यान रखिएगा आप जिस ग्रुप में आते हैं मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, तो आप ग्रुप के बारे में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पे तो 17 मार्च को पहला जो ग्रुप है उसमें पेपर 5 का एग्जाम होता है, यानी ए ग्रुप का एग्जाम पेपर 5 का, फिर सी ग्रुप का एग्जाम होता है 18 मार्च को, उनका भी पेपर 5 का है। इसके बाद 20 मार्च को एग्जाम होता है ए ग्रुप वालों का पेपर 6 का। इसके बाद 21 मार्च को एग्जाम होता है ग्रुप सी वालों का पेपर 6 का। इसके बाद 23 मार्च को एग्जाम होता है ग्रुप ए वालों का पेपर 7 का। तो आप इन शॉर्ट ये जो सारा आपका दिया गया है रूटीन है, आप इस रूटीन से मतलब नहीं रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा आप जिस ग्रुप में आते हैं आप उस तरीके से अपना एक न्यू रूटीन बना लीजिएगा, यानी आप अपने नोटबुक पे या आप अपने कॉपी पे इस तरीके से डेट लिखिएगा, आप अपना ग्रुप का नेम लिखिएगा और टाइमिंग मेंशन कीजिएगा, बस 3 चीज मेंशन कीजिएगा और आप अपना एक नया एग्जाम रूटीन को बनाइए। कारण है ये एग्जाम रूटीन आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है, ये आपको एग्जाम रूटीन आपको कह सकते हैं कि डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा ग्रुप के बारे में कि कौन सा ग्रुप किस टाइम में आता है और पेपर कब सा है, बस इस तरीके से करके इन शॉर्ट बनाइए, क्योंकि अभी मैंने जिस तरीके से आपको स्टार्टिंग में 1, 2, 3 मैंने पढ़ करके बताया उसी तरीके से आपको समझना है। तो ये रहा आपका एग्जामिनेशन रूटीन, एग्जामिनेशन रूटीन को इन शॉर्ट आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका ऊपर में ऑनर्स का है, यहाँ पे है जनरल कोर्स वालों का, तो जिनका ऑनर्स का है ऊपर देखिएगा, जिनका जनरल कोर्स है नीचे देखिएगा। ऐसा नहीं कि जनरल कोर्स ऑनर्स को दोनों मिला दीजिएगा, यह समझने में डिफिकल्ट होगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। और हालांकि फिर भी इससे लेकर के आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं, चाहे वो कमेंट का माध्यम हो, मैसेज का माध्यम हो, किसी भी तरीके से आप अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये भी जो भी सारे आपके डाउट्स है ये सारे डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स को जरूर क्लियर कर लीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को इन करते हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।